हाय, दिस इज विक एंड यू आर ऑन माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं। फिलहाल अब की बार टॉपिक जो आता है वो आता है, चैप्टर का नाम है द बिजनेस प्लान। ठीक है, हाँ जी, सेमेस्टर फाइव के लिए सीरीज बनने जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसका नाम है। ठीक है, आपके एग्जाम फटाफट से आने वाले हैं, तो सोचो फटाफट से आपकी सीरीज पूरी कंप्लीट करवा दी जाए। ठीक है जी, हाँ जी, तो कोशिश करेंगे कि 25 तारीख के आसपास आपकी सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाए पूरी। ठीक है, हाँ जी, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इस सीरीज को देख लो, आराम से आपका हो जाएगा काम। शुरू करते हैं, तो चैप्टर नंबर चालू करते हैं 5। ठीक है, जिसका नाम है द बिजनेस प्लान। तो अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो भाई ये नंबर दे रखा है आपको 8059639586, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप फटाफट से नोट परचेज कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी, ज्यादा अमाउंट नहीं है, 100 रुपए के आसपास का अमाउंट होगा, तो आप आराम से पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकते हो। हाँ जी, तो बीकॉम प्रोग्राम की सीरीज है एनवायरमेंटल लीडरशिप डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, हाँ जी, चैप्टर नंबर 5 आता है जिसका नाम है द बिजनेस प्लान, और उसके बाद चालू करते हैं फटाफट से। ठीक है भाई, हाँ जी, तो चेक करते हैं फटाफट से। टॉपिक का नाम आता है भाई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखो, कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी कंपनी होती है, वो तभी चलती रहती है जब कोई नए प्रोडक्ट लाती रहे। ठीक है ना, तो सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में समझना पड़ेगा। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग क्रिएटिंग मार्केटिंग। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर डिजाइनिंग भी करी जाती है, क्रिएटिंग भी करी जाती है और मार्केटिंग भी करी जाती है न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस की। किसकी? न्यू प्रोडक्ट और सर्विस की किसके लिए? बेनिफिट कंज्यूमर। किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, बेनिफिट पहुंचाने के लिए, या फिर जिससे, जिस कंज्यूमर से हमें बेनिफिट होगा उसके लिए। आसान है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके लिए हमको डिजाइनिंग करनी पड़ती है, क्रिएटिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है। किसके लिए? एक प्रोडक्ट के लिए, ताकि कस्टमर तक पहुंच पाए वो प्रोडक्ट। आसान था ना? हाँ जी, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना। आसान था, ठीक है, शुरू करते हैं फटाफट से। बात आती है रीजन ऑफ न्यू प्रोडक्ट फेलियर, जो यानी कि जो नए नए प्रोडक्ट होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, उसके रीजन। तो पहला प्रोडक्ट आता है भाई प्रोडक्ट डिजाइन, डिजाइन अच्छा नहीं होता उनका, या फिर इनकरेक्ट पोजिशन, या फिर प्राइस, उनका प्राइस ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता, या फिर प्राइस अच्छा नहीं होता, या फिर उनकी जो पोजिशन होती है जिस जगह पे वो प्लेस होते हैं, यानी कि मान लो कोई ऐसा पोजिशन, मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसके हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन उसको इतनी हाइप दे दी है कि भाई पूछो ही मत, तो कोई खरीदेगा भी काहे को। जैसे मान लो कुर्सी है, कुर्सी की बहुत ज्यादा हाइप होती है, तो दुनिया खरीदेगी कुर्सियां? नहीं भाई, कुर्सियां खाली बैठने काम आती है, ज्यादा काम आती नहीं है, तो इस वजह से कोई भी खरीद लो कुर्सियां। तो वैसे ही आगे चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कंपटीशन। अब आसपास के लोग कंपटीशन ज्यादा है, इस वजह से प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, फेल हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि किस वजह से हमारा जो प्रोडक्ट हो रहा है वो फेल हो रहा है। आगे चलते हैं भाई फिलहाल। हाँ जी, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है भाई, ये जल्दी से खत्म हो जाएंगे। हाँ जी, फिलहाल शुरू करते हैं, इसके बाद सीधा इस टॉपिक पे आते हैं। नाम आता है मेजर स्टेजेस इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। नया प्रोडक्ट जब हम डेवलप करने जाते हैं उसके अंदर कौन कौन से स्टेज आते हैं, ये मान लो प्रोडक्शन डेवलपमेंट की प्रोसेस है। ये एक प्रोडक्शन डेवलपमेंट की प्रोसेस है, और प्रोसेस जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको समझनी पड़ेगी पूरी प्रोसेस, कैसे किसी चीज का जो प्रोडक्शन है या फिर जो प्रोडक्ट है वो डेवलप किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है भाई आइडिया जनरेशन। सबसे पहले क्या होता है, आइडिया जनरेशन। आपको आइडिया जनरेट करना पड़ता है कि आप क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हो, किसके हिसाब से बनाने वाले हो। आसान है, और ये आइडिया जनरेशन करने में हेल्प करते हैं दो फैक्टर्स, पहला इंटरनल सोर्सेज और दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेज। जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं वो भी हेल्प करते हैं प्रोडक्ट नया बनाने के लिए, और जो बिजनेस के बाहर के लोग हैं वो भी हेल्प करते हैं कि नया प्रोडक्ट कैसे बनाया जाए। बिजनेस के अंदर के लोग कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, या फिर जिन क्या बोलते हैं, जैसे कि मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, तो ये बता सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट में क्या क्या दिक्कत है, या फिर क्या क्या कमियां होनी चाहिए, या फिर क्या क्या आपको वैरायटी दिखानी चाहिए अपने प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये हेल्प कर सकते हैं नए प्रोडक्ट को जनरेट करने में। और बाहर वाले लोग कैसे हेल्प करते हैं, जैसे कि कंपटीटर्स, जैसे कि कस्टमर्स, कस्टमर से पूछिए, कंपटीटर से पूछिए, इन लोगों से अगर आप पूछते हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि भाई कैसे प्रोडक्ट हमें बनाने और कैसे प्रोडक्ट हमें नहीं बनाने। आसान है ना, ताकि हेल्प हो सके किसके लिए, आइडिया जनरेट कर पाए हम किसके लिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। आसान था भाई, शुरू करता हूं भाई। अगला आता है आइडिया स्क्रीनिंग। अब ये आइडिया स्क्रीनिंग क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उनमें से हम कोई बेस्ट जो प्रोडक्ट लगता है हमें उसको लेके आते हैं, उसको पिक करते हैं। जैसे मान लो इन्होंने बहुत सारे आइडियाज दे दिए, तो उनमें से हम एक बेस्ट आइडिया जो है वो उसे पिक करेंगे, और जो खराब आइडिया उसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। उसी को क्या बोलते हैं, आइडिया स्क्रीनिंग। जितने भी आपके आइडिया है उनमें से आपको चेक करना है कौन सा बेस्ट आइडिया है। वही मैंने लिखा हुआ है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट स्क्रीनिंग प्रोसेस यूज्ड टू स्पॉट बेटर आइडियाज। एक ऐसी
ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम बेटर आइडिया को पिक करते हैं और ड्रॉप कर देते हैं पुअर आइडियाज को, जो पुअर आइडियाज होते हैं उनको फेंक देते हैं और जो बढ़िया आइडिया होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, इसको बोलते हैं आइडिया स्क्रीनिंग। अब मान लो आपने बेटर बेटर आइडिया पकड़ लिए, उसके बाद क्या करना होता है, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जो आपने आइडिया बनाया है उसके हिसाब से आपको कंसेप्ट, अभी पूरा प्रोडक्ट बना के लॉन्च नहीं कर देना, हाँ जी, पहले आप कंसेप्टुअल प्रोडक्ट बनाओगे। जैसे आईफोन आता है या फिर कोई सैमसंग का नया फोन आता है तो वो डमी फोन बनाते हैं ना, जो चलता वलता नहीं है, मतलब दिखाई देता है कि हाँ जी फोन ऐसा दिखेगा, हाथ में फील ऐसी आएगी, वैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। थोड़े से प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे नकली वाले कि भाई हाँ ऐसे ऐसे आपका प्रोडक्ट बनने वाला है, और उसकी टेस्टिंग मतलब टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, सिंपल था वैसे ही। हाँ जी आगे चालू करते हैं, इसके अंदर दो पार्ट है, पहला प्रोडक्ट क्या होता है डेवलपमेंट और टेस्टिंग कैसे करी जा सकती है। पहली चीज कैसे करोगे, तरीके से, कैसे तरीका, प्रोडक्ट आइडिया, पहले वो जो आइडिया आपने पिक किया है ना उसको सेट करो। सॉरी भाई नॉइस कैंसिलेशन लगा दूंगा, ठीक है, मगर इतनी ज्यादा हो नहीं सकती क्योंकि ज्यादा नॉइस आ गई। फिलहाल प्रोडक्ट आइडिया, आपको पहले आइडिया पे काम करना पड़ेगा, पहले आपने को सोचना पड़ेगा जो आपका आइडिया है क्या उससे एक्चुअल में प्रोडक्ट बन सकता है कोई बढ़िया वाला, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट, ये है भाई प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब देखिए प्रोडक्ट आइडिया थोड़ा सा अलग है, आपको अलग अलग आइडिया में से कोई सीधा पिक करना है, ठीक है, पिक कर लिया हमने एक को एक। अब प्रोडक्ट कंसेप्ट आता है, प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है कि वो जो आपने प्रोडक्ट पिक किया है उसके बारे में कंसेप्ट देखो, उस प्रोडक्ट में होना क्या चाहिए, उसकी पैकिंग कैसे करी जाएगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, उसके बारे में प्लान्स करिए कि कैसे मार्केट लोगों तक पहुँचाया जाएगा, कस्टमर तक। उसके बाद प्रोडक्ट की इमेज बनानी है, अब आपको प्रोडक्ट की क्या बनानी होगी, इमेज। अभी प्रोडक्ट बना भी नहीं है, अभी लॉन्च भी नहीं हुआ, उसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो आपको इमेज बनानी पड़ेगी प्रोडक्ट की, यानी कि उसके दिखने में कैसा होना चाहिए, यहाँ पे लोगो लगेगा, यहाँ पे लड़की का फोटो लगेगा, यहाँ पे लड़के का फोटो लगेगा, यहाँ पे मर्सिडीज का फोटो लगेगा, समझ में। उसके बाद ये प्रोडक्ट में ये सब लिखा जाएगा, पीछे ब्रांडिंग होगी, पीछे लेबलिंग होगी, अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है, तो ये सब चीज क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की इमेजेस तैयार करनी पड़ेंगी, आसान है। तो ये सारा काम करना पड़ेगा डेवलपमेंट के टाइम पे ही या फिर टेस्टिंग से पहले ही, आसान है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट टेस्टिंग, अब आपको क्या करनी पड़ेगी उसकी टेस्टिंग, ये डेवलपमेंट हो गया प्रोडक्ट का इन तीन तरीकों से, अब आपको क्या करना पड़ेगा उसकी टेस्टिंग। अब टेस्टिंग क्या होती है भाई, ट्राई फर्स्ट टाइम ऑन स्मॉल स्केल, यानी आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी किस तरीके से जो आपने प्रोडक्ट बनाया, जो आपने एक तरीके से डमी बनाया वो किस लिए बनाया था, ट्राई करने के लिए। अब आपको थोड़े थोड़े लोगों को देना पड़ेगा ट्राई करने के लिए कि भाई आपको रिव्यू लेना है कि कैसा है वो प्रोडक्ट, अच्छा है या फिर वो बेकार प्रोडक्ट है, आसान है। जैसे फोन वाले करते थे फोन लॉन्च के टाइम पे, पहले ही किसके पास भेजते थे, या फिर जितने भी यूट्यूबर है या फिर जो टेक्निकल चैनल है उनके पास भेजते हैं ताकि वो क्या करते रिव्यू कर सके कि कैसा प्रोडक्ट आने वाला है, आसान है ना, हाँ जी। तो इस तरीके से वो ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम स्मॉल स्केल पे, अगर मान लो प्रोडक्ट में कोई चेंजेस करना होगा तो वो बता देंगे कि ये चेंजेस कर दो, तो वो चेंजेस करने की कोशिश कर सकते हैं, आसान सर, हाँ जी आगे चलते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, अब आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि आप किस तरीके से मार्केटिंग करना चाहते हो। जैसे कि आपको पता है सर बिना मार्केटिंग के कोई काम ही नहीं हो सकता है ना, अगर आप कोई नया प्लान लेके आ रहे हो, नया बिजनेस लेके आ रहे हो तो उसकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे जियो सिम वालों ने करी थी है ना, एयरटेल को बीट करने के लिए, जियो सिम जब लॉन्च आई थी तो फिर पहले कैसे मार्केटिंग थी, पूरा साल जियो सिम मिलेगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी 1.5 GB नेट आराम से, भाई दुनिया टूट पड़ी थी जियो सिम के पीछे है ना। हाँ जी उसी तरीके से आपको क्या करनी पड़ेगी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी ताकि आपका प्रोडक्ट भी क्या उसके थोड़ा अच्छा हो सके, मतलब कि उसकी डिमांड अच्छी हो सके, तभी तो मजा आता है, डिमांड अच्छी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे करी जा सकती है, उसके तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट डिस्क्राइब टारगेट मार्केट, यानी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके टारगेट मार्केट क्या है, ठीक है, या फिर आपकी सेल्स कितनी होने वाली है, या फिर मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो, मार्केट करना चाहते हो, ठीक है, ये सब चीजें। हाँ जी आगे चलते हैं, आउटलाइन द प्रोडक्ट प्लान, आपको प्रोडक्ट का जो प्लान है जिस तरीके से प्रोडक्ट बनाया जाएगा, किस तरीके से प्रोडक्ट बनाया जाएगा और किस तरीके से प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, ठीक है, उसको आउटलाइन करना पड़ेगा, यानी जो आपने पहले प्लान बना रखे हैं ना उन्हीं को दोबारा से एक बार रिफाइन करना पड़ेगा कि क्या इस तरीके से पक्का हो सकता है। गवर्नमेंट की ग्रांट्स लेनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज लेनी, मतलब कि क्या परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेने पड़ेंगे हर चीज़ के लिए, ठीक है, तो आउटलाइन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को, उसकी प्राइसिंग को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को। आगे चलते हैं, लॉन्ग टर्म गोल प्रॉफिट एंड सेल्स, अब आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को लेकर कितना लॉन्ग टर्म गोल है हमारा, यानी कब तक हम इस प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, कब तक के लिए ये प्रोडक्ट जो होगा वो वैलिड रहेगा। जैसे पार्ले जी वाली कंपनी आई थी, उन्होंने पार्ले जी बिस्किट बनाया, उनका लॉन्ग टर्म गोल देखो चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, दुनिया खरीदती जा रही है, बिस्किट बिकता जा रहा है ना। हाँ जी इस तरीके से आपको लॉन्ग टर्म गोल क्या करना पड़ेगा, अपना भी सेट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आता है लास्ट, मतलब कि लास्ट के दो तीन पॉइंट रहेगा बस, बिजनेस एनालिसिस, अब आपको बिजनेस एनालाइज करना पड़ेगा
बिजनेस एनालिसिस, मतलब ये जो मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ इससे मेरे बिजनेस पे तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ ज़्यादा बिजनेस खराब तो नहीं हो जाएगा, या फिर बिजनेस बूस्ट हो जाएगा एकदम से, या फिर बिजनेस क्या अफोर्ड कर सकता है इतना प्रोडक्ट बनाना, या अगर मान लो डिमांड ज़्यादा होती है क्या मैं इतना सेल कर सकता हूँ, क्या मैं इतनी कॉस्ट प्राइस रख सकता हूँ, क्या इतने सस्ते में माल बना सकता हूँ, कस्टमर को इतना इतने प्राइस में बेच सकता हूँ, क्या कस्टमर इतने प्राइस में खरीद पाएगा नहीं खरीद पाएगा। तो ये सारा चीज़ सेट करना किसके अंदर आता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर आता है, यानी कि जो आपने अभी तक आइडियाज में सोचा था डमी बनाया था उसके अंदर अब क्या करना चालू कर दोगे, आप एक्चुअल में प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करना चालू कर दोगे कि प्रोडक्ट काम करेगा या नहीं करेगा। हाँ जी शुगर थे, उसके बाद आता है लास्ट, मतलब कि कहाँ गया ये सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट कहता है क्या, बिजनेस एनालिसिस होगा, अच्छा ये होगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, अब आप क्या करोगे भाई सीधा, सॉरी भाई, हाँ जी शुगर थे फिलहाल। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है भाई, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर ना आप ना लार्ज स्केल इन्वेस्टर ढूंढोगे ताकि वो क्या कर सके आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सके, ताकि वो भी प्रॉफिट पाए। क्योंकि आपके पास कई बार होता है कि कई बार इतना पैसा नहीं होता कि आप इन्वेस्ट कर पाओ खुद, ठीक है। हाँ जी अगली बार टेस्ट मार्केटिंग, अब आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट मार्केटिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्ट बनना चालू हो गए, प्रोडक्ट बनने के साथ साथ आपको क्या करवानी पड़ेगी, मार्केटिंग सेलिंग आपको देखनी पड़ेगी, टीवी पर आना चाहिए बढ़िया तरीके से, जो हमारी कस्टमर है उन तक पहुंचना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है जी। हाँ जी जैसे मैं आपने नोट्स बेच रहा होता हूँ तो फिर मैं भी मार्केटिंग करवाता हूँ, जैसे हमारी जो वेबसाइट है उस पर पड़ा होता है नोट्स के लिंक कि आप नोट्स परचेज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे नोट यहाँ पे उस पर देख लेते हो कि फोन नंबर है, और मैं भाई बार बोलता हूँ स्टार्टिंग के टाइम पे भी बोलता हूँ, एंडिंग के टाइम पे भी बोल देता हूँ कि भाई नोट्स परचेज करने तो परचेज कर सकते हो इस नंबर पर प्रिंट करके, मतलब हर एक नोट्स कितने रुपये का होता है, 100 रुपये का होता है, बाद में पता नहीं फ्यूचर में प्राइस बढ़े या नहीं बढ़े, अभी फिलहाल 100 रुपये का होता है, ठीक है। हाँ जी एक दो साल तक इतने दिन रहेगा, मतलब आप किसी भी तरह के नोट्स लेना चाहते हो 100 रुपये प्राइस होता है। फिलहाल आगे चलते हैं, फिलहाल टॉपिक बताते हैं टेस्ट मार्केटिंग, ठीक है। तो आपको टेस्ट मार्केटिंग आपको करवानी पड़ेगी, लास्ट और आखिरी पॉइंट कमर्शलाइजेशन, आपको क्या करना पड़ेगा, कमर्शलाइजेशन करना पड़ेगा। कमर्शलाइजेशन मतलब क्या होता है भाई, इसके अंदर मार्केटिंग भी आ जाती है, इसके अंदर प्रोडक्ट की सेलिंग भी आ जाती है, इसके प्राइस फिक्सिंग भी आ जाती है, इसके अंदर सब चीज़ आ जाता है, यानी आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसका प्राइस जो आपने फिक्स किया है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको सेल करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लास्ट काम यहाँ पे होता है, यानी कि प्रोडक्ट को मेन बेचने वाला काम वो सब किस में आ जाता है, कमर्शलाइजेशन के अंदर। आसान है, हाँ जी इतने तक मैं आइडिया सोच रहे थे, उसको डेवलप कर रहे थे, उसकी टेस्टिंग कर रहे थे, डेमी चीज़ें बना रहे थे, और उसके बाद हमने यहाँ पे चालू कर दिया प्रोडक्ट का असली में डेवलपमेंट करना, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करवाना, और यहाँ पे क्या कर दिया उसको बेच दिया। तो यहाँ पे ये तीन काम है जो असली प्रोडक्ट के साथ हो रहे हैं, बाकी इससे पहले जितने वाले भी हैं वो सारे के सारे क्या हो रहे हैं, नकली प्रोडक्ट के साथ हो रहे हैं। आसान भाई कोई दिक्कत नहीं ना, ये थी प्रोडक्ट की पूरी, मतलब जो कोई नया प्रोडक्ट आता है उसके लिए फेलियर्स क्या होती हैं, या फिर उसको किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सक्सेस पहुंचा सकते हैं, सक्सेस बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, पूरा प्रोडक्शन यानी जो बिजनेस प्लान है वो काम करता है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है भाई। हाँ जी तो यहाँ पे तो होता भी एक टॉपिक, आगे चालू करते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है। हाँ भाई तो शुरू करते हैं फटाफट से और अगले टॉपिक पे आते हैं, जल्दी से आपका टॉपिक खत्म कर देते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक रह गया और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं फटाफट से, तो अगर किसी को नोट्स परचेज करना तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट में लेना, ये जरूरी है मेरे लिए, ठीक है, बाकी तुम्हारे लिए ये जरूरी है। शुरू करते हैं, हाँ जी अगला टॉपिक आता है भाई सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज। अब देखिए बिजनेस करने के लिए हमने प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया, बिजनेस प्लान वाला चैप्टर है क्योंकि, हाँ जी तो अब प्लान करना पड़ेगा हमें नए आइडियाज कैसे लाने पड़ेंगे, किसके लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए नए आइडियाज कहाँ से आएंगे, ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, दो फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर और एक क्या होता है एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं एक, ठीक है। तो आप इंटरनल सोर्सेज से भी ले सकते हो और एक्सटर्नल सोर्सेज से भी ले सकते हो, फैक्टर मतलब कहीं से भी ले सकते हो अपने आइडियाज, वही टॉपिक कुछ यहाँ पे बता रखे हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के, जैसे कि आप कस्टमर से आइडिया ले सकते हो, एग्जिस्टिंग जो कंपनीज हैं यानी जो पहले से ही कंपनीज हैं जो आपकी फील्ड में ही हैं, उन्होंने जो प्रोडक्ट बना रखा है आप उनसे आइडियाज ले सकते हो कि मेरे को भी ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से आइडिया ले सकते हो, यानी जो माल बेचने जाता है चैनल, यानी वो लोग जो क्या होते हैं माल बेचने जाते हैं मार्केट के अंदर, आप उनसे आइडियाज ले सकते हो कि किस तरीके का माल हमको बेचना है, यानी किस तरीके का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए ताकि वो कस्टमर ले पाए, ठीक है। उसके बाद आप गवर्नमेंट से आइडियाज ले सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है गवर्नमेंट अलग चीज़ें बोल देती है कि भाई आपको ये काम नहीं करना, आपको ये काम नहीं करना, तो जिस तरीके प्रोडक्ट गवर्नमेंट रेफर करती है आपको करने के लिए, आपको वैसे ही प्रोडक्ट क्या करने चाहिए, बनाने चाहिए, ठीक है। अगला चीज भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आपने एक कमेटी बिठा सकते हो कि या आप एक ब्रांच बना सकते हो जो कि क्या करेगी, खाली रिसर्च और डेवलपमेंट करेगी, तो आप वो खोजेगी कि क्या होते हैं, कैसे प्रोडक्ट चाहिए मार्केट में, किस टाइम पे लोगों को कैसे कैसे प्रोडक्ट चाहिए, किस तरीके प्राइसिंग होनी चाहिए, किस तरीके सेलिंग होनी चाहिए, तो मतलब रिसर्च का सारा काम कौन करेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट। तो प्लान बनानी जरूरत नहीं होगी आपको प्रोडक्ट के लिए, आप आइडिया इसी से ले सकते हो रिसर्च और डेवलपमेंट से। हाँ जी छोड़ते हैं मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज, आइडिया जनरेट करने के लिए क्या मेथड, भाई क्या करें होते हैं कुछ
तो मेथड ऑफ जनरेटिंग आइडियाज, आइडियाज जनरेट करने के लिए क्या क्या मेथड है, यानी आपके माइंड में आइडिया कैसे आएगा, उसको जनरेट कैसे किया जाएगा, उसके मेथड क्या होंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले फोकस ग्रुप, आप फोकस ग्रुप पे डाल सकते हो कि भाई आप जाके आइडियाज जनरेट करो। जैसे वही बता रहा हूँ भाई, रिसर्च और डेवलपमेंट होता है ना, उन्हीं को बोलते हैं फोकस ग्रुप। आसान है, ऐसे ग्रुप जो फोकस करते हैं किसी एक चीज पे कि भाई वही काम करेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट बनाने का, प्राइस फिक्स करने का, सेलिंग का। तो ये सब फोकस ग्रुप पे डाल सकते हो, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट पे डाल सकते हो आराम से कि भाई आप आइडियाज जनरेट करो। ठीक है, हाँ जी। दूसरा मेथड क्या है आइडिया जनरेट करने का? ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है भाई, कई बार पूछ लिया जाता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है पता है? बिजनेस में पढ़ा था भाई 12वीं के अंदर। नहीं पता, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्योंकि मेरे दिमाग से उतर गया। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? अब बोल गया भाई, मैं एक बार देखता हूँ, फिर उसको चालू करते हैं। ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है भाई, आपको ना जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, उसके बहुत सारे आइडियाज निकाल लो। फॉर एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है और आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस देख लो। ये मत देखो कि भाई सॉल्यूशन इसके काम का है या फिर नहीं है, आप उसके बहुत सारे सॉल्यूशन देख रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे, मैं कोई फोन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं फोन बनाने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन मैं फोन बनाऊंगा, दूसरा सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, मैं किसी का फोन चुरा के कॉपी कर लूँ, तीसरा सॉल्यूशन मैं दूसरे का फोन उठा के उसके अंदर अपना कैमरा फिट कर दूँ और उसके अंदर ये ऐसे सील कर दूँ, मतलब चौथा सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, दूसरे का फोन लेके उस पर कॉपी कर, मतलब कि वो करा दूँ, क्या बोलते हैं, कवर चढ़ा के अपना बना के बेच दूँ, चौथा पांचवा सॉल्यूशन अपना प्रोडक्ट सारा खरीद के असेंबल करके बेचना चालू कर दूँ, छठा सॉल्यूशन विदेशों से इंपोर्ट करवा लें सामान, ठीक है, अच्छे और क्या बोलते हैं असेंबल कर लें यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब बेबुनियाद सॉल्यूशन जिसका कोई तुक ही नहीं है, आप वो वाले सॉल्यूशन भी जोड़ना चालू कर दो। ब्रेनस्टॉर्मिंग उसी को कहते हैं, आसान है। हाँ जी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने से बहुत सारे आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे, उनमें से आप जो बेस्ट होगा ना वो चुनने में थोड़ा आसान हो जाएगा, आपको लगेगा बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, इसके तो इतने सारे आंसर है, तो आप कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही सकते हो आराम से। ठीक है, हाँ जी, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड होता है जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो क्या चीज, आइडियाज। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखना, जब ब्रेनस्टॉर्मिंग आप करने जाओ तो ये चीज़ें उसमें ध्यान रखना। पहली चीज़, उसके अंदर कोई क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब आप ऐसा आइडियाज नहीं लेके आ जाओगे जिसकी वजह से क्या होता है, सामने वाले को कोई दिक्कत हो या फिर कंपटीशन वाले को कोई दिक्कत हो। ठीक है, अगली चीज़, फ्री विलिंग, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, फ्री विलिंग होनी चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए आपका आइडियाज़ जब आप उसको करोगे तो फिर भाई क्या आप अपने हिसाब से चुन सकते हो, ये नहीं कि गवर्नमेंट से ये कर पाऊंगा तब जाके मैं आइडियाज़ लेके आऊँगा, तब जाके प्रोडक्ट बनवाऊंगा, आसान है। आपकी विल होनी चाहिए कि आप खुद कर सकते हो, गवर्नमेंट पर निर्भर नहीं। कई बार क्वालिटीज ऑफ आइडियाज की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, थोड़े घटिया आकर के आइडियाज नहीं होने चाहिए, थोड़े अच्छी क्वालिटी के आइडियाज होने चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर आप बहुत सारे आइडियाज ले सकते हो, तो बस इन चीजों का ध्यान रखना, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम इन्वेस्टरी, मतलब प्रॉब्लम इन्वेंटरी। तो प्रॉब्लम इन्वेंटरी क्या होता है? प्रॉब्लम इन्वेंटरी मतलब एक ऐसी ब्रांच होती है जो क्या होता है, माल बनाती है और बेचती है उसे, है ना, प्रोडक्ट इन्वेंट्री कह सकते हो आप उसे। ठीक है, प्रॉब्लम इन्वेंट्री क्या होता है, मेरे जो स्टॉक्स होते हैं उनको खरीदने और बेचने का काम करती है ऐसी क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट को, बिजनेस का ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें क्या होता है माल खरीदने और बेचने का काम किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम इन्वेंट्री या फिर प्रोडक्ट इन्वेंट्री। ठीक है, हाँ जी, तो वो उससे बात कर सकते हो कि प्रोडक्ट डिपार्टमेंट से कि भाई आपने जो माल खरीदा या फिर आप जो माल बेचने जा रहे हो उसमें क्या चीज़ चेंजेस हो सकते हैं, अगर कोई चेंज करके मैं नया प्रोडक्ट बना सकता हूँ तो उसकी हेल्प से मैं बना सकता हूँ, बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ना जब वो प्रोडक्ट मतलब सेलिंग वाले डिपार्टमेंट मार्केट में गए, उन्होंने देखा माजा बिक रही है, क्या बिक रही है मार्केट के अंदर, माजा, और माजा हम जो बेच रहे हैं वो बोतलों के अंदर बेच रहे हैं, लेकिन एक आए हैं कुछ नई ब्रांड जो कि क्या होता है कागज के वो बना के बेच रहे हैं 20-20 रुपए के, तो छोटे से पाउच होते हैं, लोग खरीदते हैं, पीते हैं, फेंकते हैं और वो मतलब डिसकंटिन्यू होता रहता, मतलब कंटिन्यू चलता रहता है ऐसी। ठीक है, तो हमने सोचा ये आइडिया तो बेटर है, क्यों ना इसमें थोड़ा सा चेंजेस करके हम अपनी माजा बेचना चालू कर दें। तो हमने क्या बोलते हैं कागज की थैलियाँ बनाई और उसके बाद डिजाइन उसका चेंज कर दिया और उसके बाद अपना बेचना चालू कर दिया। तो इस तरीके से आप आइडियाज ले सकते हो इनसे, इससे प्रॉब्लम इन्वेंट्री वालों से। अगला कंसेप्ट स्टेज, कंसेप्ट स्टेज क्या होता है भाई, यहाँ पे आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, यानी कि जो आपने पहले से ही प्रोडक्ट बना रखे हैं ना उसके अंदर क्या क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जो आप जिनकी वजह से वो प्रोडक्ट बेच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी दिक्कतें उठाओ, उनकी दिक्कतों को शॉर्ट आउट करो और उसके बाद नए प्रोडक्ट के तौर पर ही उसी के प्रोडक्ट को क्या कर दो, लॉन्च कर दो। आसान था भाई, हाँ जी, तो बहुत अच्छे इसी तरीके से कर लेंगे। हाँ भाई, ठीक है,
तो मेरे हिसाब से भाई आपका टॉपिक खत्म हो चुका होगा मेरा, ठीक है, शुरू करते हैं। अगला आता है आइडिया जनरेशन टेक्निक, ऐसी टेक्निक जिससे आप क्या कर सकते हो, आइडिया जनरेट कर सकते हो, वो वाली टेक्निकों के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज आती है, पहली टेक्निक, पहला तरीका आता है रोल प्लेइंग। जैसे कि कोई मार्केट में कोई प्रोडक्ट है जो बिक रहा है अच्छे तरीके से, आपको ही वैसा प्रोडक्ट बना देना है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो उस प्रोडक्ट की जगह क्या कर सकता है, उसका रोल प्ले कर सकता है। तो आप अपना प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट के साथ क्या करते हो, लॉन्च कर सकते हो, ताकि उसके साथ हमारा प्रोडक्ट भी बिक सके, ठीक है। इसको बोलते हैं रोल प्लेइंग, यानी उसका रोल हमारा प्रोडक्ट जो है वो उसका रोल प्ले करेगा, ठीक है, उसकी तरह बिकेगा। आगे चलते हैं एक्टिव सर्च। एक्टिव सर्च आप कोई सा आइडिया जनरेट कर सकते हो, दूसरा आइडिया क्या है, एक्टिव सर्च। आपको लगातार सर्च करनी पड़ेगी कि हमारा प्रोडक्ट किस जगह पे बिक रहा है, किस जगह पे डिमांड हो रही है, किस जगह पे बेचना चाहिए हमें, ठीक है। तो सर्च करके आप आराम से पता कर सकते हो कि आपको क्या लगता है किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है और किस तरीके से प्रोडक्ट बेच सकते हो। अगला ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है, आपको एक ही बारे में बल्क में बहुत सारे आइडियाज ले आने हैं कि भाई किस तरीके से माल बिक सकता है, किस तरीके से आप प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं कोलैबोरेशन। अपना माल बेचने के लिए आप क्या कर सकते हो दूसरों से, कोलैबोरेशन, ये तो आपको पता ही होगा, यूट्यूब पर भी कर लेते हैं आजकल बहुत सारी, ठीक है। तो आप कोलैब कर सकते हो किसी भी इंसान से या फिर किसी भी कंपनी से, ठीक है। अगला चलते हैं, हाँ जी, इसको बोलते हैं क्रिएट स्टिमुली। क्रिएट स्टिमुली क्या होते हैं, आपको अलग एक पहचान बनानी पड़ेगी, आपको ना इमेज बनानी पड़ेगी उस प्रोडक्ट के बारे में पहले। तो जैसे कि कोका कोला की एक इमेज बनी हुई है ना, जैसे ही वो क्या बीच में ट्रेंडिंग में चला था कि चलते हैं उसने क्या नाम है, रोनाल्डो सर ने वो कोका कोला की बोतल उठा के एक जगह से दूसरी जगह कर दी, और जैसे ही उसको बोतल को साइड किया उसके शेयर के प्राइस क्या हुए, बहुत ज़्यादा तेजी से गिर गए। तो भाई आपको जैसे उसकी इमेज है कि भाई रोनाल्डो सर ने इमेज बनाई है, वैसे ही आपको अपनी एक इमेज बनानी पड़ेगी। जैसे टेस्ला सर ने, मतलब टेस्ला का मालिक कौन है, इलॉन मस्क सर ने बना रखी है, तो आपको वैसी इमेज बनानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि आपको प्रोडक्ट क्या उसके आराम से बिक सके आपके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिक एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब आपको क्या करना पड़ेंगे, क्रिटिक करने पड़ेंगे, पेटेंट्स करवाने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने पड़ेंगे अपने उसके बारे में, किसके बारे में, अलग से ही आइडियाज के बारे में, ताकि आप आइडियाज बना सको, सोच सको। अगला एक्सपर्ट ओपिनियन, अगर आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा तो एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हो, हाँ जी, फोन ऑफ फ्रेंड कर सकते हो, ठीक है भाई, केबीसी थोड़ा चल रहा है। उसके बाद फोटोटाइपिंग, अब क्या कर सकते हो, आप फोटोटाइपिंग कर सकते हो, यानी कि आप एक पिक्चर बना के उसको ड्रॉ करके उस पर ट्रेस कर सकते हो भाई, हाँ ये पिक्चर अच्छी लग रही है या फिर इस तरीके का प्रोडक्ट अच्छा लगेगा या फिर नहीं लगेगा। उसके बाद भाई रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्या होता है, जैसे सामने वाला प्रोडक्ट बना रहा है सेम टू सेम हू अपना भी प्रोडक्ट बना दिया उसके जैसे ही, बिल्कुल सेम सेम रिफ्लेक्स कर दिया, ठीक है। स्केचिंग एंड सोशलाइजिंग, अब आपको स्केचिंग और सोशलाइजिंग में ध्यान दे रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर स्केचिंग वेचिंग का काम करते हैं या फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम करते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है जैसे टाटा, उन्होंने अपना लोगो बनाया, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उन्होंने देखा कि टाटा कंपनी ने नया लोगो बनाया, तो वो अपने थॉट्स देना चालू कर देते हैं, भाई ये वाला भी थॉट ले लो, ये वाला भी थॉट ले लो, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा टाटा का लोगो बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं लोगो। तो इस तरीके के लोग, कुछ लोग होते हैं जो स्केचिंग और चलते हैं सोशलाइजिंग करते हैं, आप उनके ऐसे चलते आइडियाज ले सकते हो अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए। जैसे स्टोरी बोर्ड, स्टोरी बोर्ड आप क्या होते हैं, एक अलग से मीटिंग बिठा सकते हो, कंपनी बना सकते हो, जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट वाले थे ना, हाँ जी, इनको बिठा सकते हो और बोल सकते हो कि आपको एक प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करनी है, यानी कि स्टोरी बनानी है, आसान सा। तो ये तरीके हैं जिस तरीके से आप क्या करते हो, सारे के सारे आइडियाज बना सकते हो, आइडियाज जनरेट कर सकते हो किसी भी तरीके से प्रोडक्ट के बारे में। आगे चलते हैं और लास्ट टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, किस तरीके से प्रोडक्ट का क्या किया जाए, सिलेक्शन किया जाए। तो इतने सारे तरीके हैं जिन तरीके से आप प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट का सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, तरीके चार। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कभी भी आपको इंपोर्ट नहीं करना रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट और बैन प्रोडक्ट, जो चीज़ें बैन है इंडिया के अंदर या फिर देश के अंदर वो प्रोडक्ट आपको नहीं बनाने, ठीक है। उसके बाद करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, अब आपको उन प्रोडक्ट का सिलेक्ट करना है जो क्या कहते हैं बैन नहीं है, उनके अलावा जो आपको लगते हैं बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज, अब देखना पड़ेगा कि आपके जो प्रोडक्ट बनाए हैं एक तो बैन तो नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको अवॉइड नहीं करनी चाहिए, उनको वो नहीं करना चाहिए, हटाने नहीं चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सेक्टर डिफाइन, अब आपको सेक्टर डिफाइन करना पड़ेगा, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है वो किस सेक्टर के लिए, छोटे बच्चों के लिए, बुड्ढों के लिए, एवरेज के लिए, या फिर लेडीज के लिए, मेंस के लिए, या फिर किसी भी तरीके के गरीब लोगों के लिए या फिर अमीर लोगों के लिए, वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको सेक्टर डिफाइनिंग के अंदर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किसके लिए बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी अवॉइड तो नहीं कर रहा, इस तरीके से, ठीक है। लास्ट टॉपिक आता है भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, अब ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, इसके अंदर भाई आपकी पांच स्टेज होती हैं। पहली बड़ा ही बना देता हूँ थोड़ा डायग्राम, शायद से दिखना रहा हो, ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान से समझना भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चालू होते हैं भाई, तो देखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कैसे बनेगी, ये बन गया आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसे कि हाँ जी,
मान लेते हैं स्टार्टिंग में प्रोडक्शन क्या होता है, पहले जब हम आइडियाज भी नहीं होता हमारे पास, यानी हम प्रोडक्शन करना चालू ही कर रहे होते हैं, ठीक है, जब क्या होता है प्रोडक्ट डेवलप हो रहा होता है, यानी कि ये वो स्टेज है जहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है डेवलप, यह है प्रोडक्ट डेवलपिंग, ठीक है, जब प्रोडक्ट क्या होता है डेवलप हो रहा होता है। तो मान लो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, क्या माल बिक रहा है, बिकेगा तो नहीं ना, खरीद बनी तो रहा है, तो यहाँ तक कोई माल नहीं बिकता हमारा, इसकी वजह से जो हमारा लॉस है स्टार्टिंग में कम होता है लेकिन धीरे धीरे क्या होता रहता है बढ़ने लग जाता है लॉस। आसान है, ये मैं बना रहा हूँ लॉस का डायग्राम और ऊपर बनाऊंगा, मतलब कि ऊपर बनेगा टोटल सेल और नीचे बनेगा लॉस का, ठीक है, चलो करते हैं। उसके बाद स्टेज कौन सी आती है भाई, उसके बाद आती है स्टेज इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन यानी जब हम करते हैं मार्केट में उस प्रोडक्ट को लॉन्च, तो जब लॉन्च करना चालू कर देते हैं तो प्रोडक्शन क्या होने लग जाता है हमारा, बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और उसके बाद भी जो हमारा प्रॉफिट होता है, मतलब जो हमारा लॉस हो रहा होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, ठीक है भाई। हाँ जी, जब हम प्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं तो धीरे धीरे माल हमारा क्या होता है सेल बढ़ने लग जाती है और धीरे धीरे लॉस भी हमारा क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है, यानी प्रॉफिट में आने लग जाता है। उसके बाद आता है भाई ग्रोथ, उसके बाद क्या आती है ऐसा टाइम जब हमारी क्या होने लग जाती है ग्रोथ होने लग जाती है, काफ़ी तेजी से हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है। आसान है, हाँ जी, उस टाइम पर हमारा प्रॉफिट भी क्या हो रहा होता है काफ़ी तेजी से बढ़ रहा होता है। तो ये एरिया कौन सा होता है ग्रोथ का, जब प्रोडक्शन भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और हमारी ग्रोथ भी क्या हो रही है काफ़ी तेजी से हो रही है, ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद आती है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी कब हो जाती है जब हमारा वो प्रोडक्ट जो होता है मैक्सिमम पॉइंट पे हो जाता है, यानी हमारा प्रॉफिट क्या है मैक्सिमम, ये पॉइंट कौन सा है मैक्सिमम, यानी कि हमारा प्रोडक्शन क्या हो रहा है मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका है, इससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं मिल सकता। उसके बाद आती है मैच्योरिटी, ठीक है, और मैच्योरिटी के बाद प्रोडक्शन हमारा क्या होने लग जाता है कम होने लग जाता है धीरे धीरे, यानी कि प्रॉफिट भी क्या होने लग जाता है धीरे धीरे कम होने लग जाता है। उसके बाद आता है भाई डिक्लाइन, उसके बाद क्या आता है डिक्लाइन, ओ थोड़ा सा अटपटा सा बना दिया भाई, डिक्लाइन यहाँ से नहीं होता, ठीक है, तो ये टॉप था मैक्सिमम और यहाँ से हो जाता है डिक्लाइन, ठीक है। डिक्लाइन क्या, प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा था ये मैक्स पे था क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम है, ठीक है, प्रॉफिट हमारा गिरने लग गया और प्रोडक्शन भी क्या हो गया अब गिरने लग गया, जब प्रोडक्शन हमारा गिरने लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं भाई डिक्लाइन। ये एरिया कौन सा हो गया डिक्लाइन वाला, यानी यहाँ पे प्रोडक्शन गिर रहा है हमारा और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट भी क्या हो गया गिरने लग गया। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना, स्टार्टिंग में धीरे धीरे बनता है तो आप जीरो मत बनाना, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि आप जीरो ना बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ टाइम, कि ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है स्टार्टिंग का टाइम, मिड टर्म टाइम और उसके बाद बिल्कुल मिड टर्म यानी मैच्योरिटी वाला टाइम और उसके बाद डिक्लाइन वाला टाइम, ठीक है। और ये यहाँ पे दिखा रहे हैं हम टोटल सेल, टोटल सेल और या फिर क्या दिखा रहे हैं हम प्रॉफिट, ठीक है, हाँ जी। इसे बोलते हैं क्या द प्रोडक्शन लाइफ साइकिल, जो प्रोडक्ट होता है हमारा उसकी लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से होती है, यानी कि ये लाइन कौन सी है भाई, ये वाली जो लाइन है ये लाइन है प्रॉफिट की, ठीक है, जो दिखाती है प्रॉफिट को, और ये वाली जो लाइन है ये दिखाती है हमारी टोटल सेल को, किसको टोटल सेल को। तो इस तरीके से बनती है भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो आपको ऐसे ही बना के आनी है अगर क्वेश्चन वाला बोलता है, ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर इस तरीके का क्वेश्चन ना आए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पे खत्म होता भाई आपका चैप्टर नंबर 5वां जिसका नाम था द बिजनेस प्लान, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का। अब फिलहाल मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह ताकि चैप्टर नंबर 6 खत्म कर पाए, ठीक है। अच्छा भाई एक चीज़ याद रखना, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो फिर यहाँ पे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप नोट्स परचेज कर सकते हो, ठीक है जी, हाँ जी। व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना, बहुत अच्छी रहेगा, ठीक है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी, हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है। और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना भाई, क्योंकि कई बार होता है कि नंबर वो लगता नहीं किसी और जगह पर चला जाता है नंबर लगवा के, तो भाई बड़ी दिक्कत आती है थोड़ी, ठीक है। तो आज सिलेबस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। और हाँ एक चीज़ और, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना, ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है, कोई नहीं, आराम तो कर दिया बाद में, कोई आपको तो नहीं आ रही है, ठीक है जी, हाँ जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह और टाटा बाय बाय।